नमस्कार प्रणाम, क्या हाल चाल? बढ़िया है चौकस। आइए हमारे प्रचार गाड़ी के पास और लेकर के जाइए CNG का जानकारी, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना समय खराब किए, क्योंकि आप लोग अक्सर पूछते हैं कि गाड़ी में ये परेशानी है तो ये दिक्कत, ये परेशानी है तो ये दिक्कत, ये परेशानी है तो ये दिक्कत। तो आज हम सोचे क्यों ना इसी में सारा दिक्कतें सॉल्व कर दें। जहाँ तक आप लोग अपने हाथ से कर सकते हैं वहाँ तक सॉल्व करते हैं। तो आइए हमारे साथ दोबारा, ठीक है? चलिए, सबसे पहले जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग बात करते हैं, ये है रिड्यूसर और ये है आपका इंजेक्टर और ये है आपका मैप सेंसर, ये है आपका रिफिलिंग वाल्व और ये है आपका प्रेशर गेज घड़ी और ये आपका स्विच और ये आपका ECU। इतना तो समझ गए। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि अक्सर आप लोग देखते हैं 3 से 4 प्रकार की टोटल फॉल्ट है CNG के अंदर। सही बता रहे हैं। पहला फॉल्ट टू 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 पेट्रोल पे आ जाना, शिफ्ट हो जाना, CNG से टर्न से आएगी और ऐसा आवाज़ करेगी, पहला फॉल्ट। दूसरा फॉल्ट आजकल सर्दी में मिलेगा कि गाड़ी कुछ दूर तक आप चलते जाएंगे और CNG पे कन्वर्ट नहीं होगी। तो इस पर हम नहीं बनाएंगे आज, क्योंकि ये ऑलरेडी बनाए हुए हैं 4-5 दिन पहले, लेकिन इस पर बनाएंगे टू टू और आपका झटका और आपका जैसे आपका मीटर में लाइट नहीं दिखाता है कि गैस कितना पॉइंट है ये, और टू टू पे भी मतलब करीब करीब जो है CNG में जो चीज़ें होती है, जो दिक्कतें होती है उस पर बनाते हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब आदमी फंसता है तो ही सर्च करता है, अन्यथा नहीं सर्च करता। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कहेंगे, आप लोग जब भी फ़ोन करते हैं तो आपको अगर टेक्निकल जानकारी है, मैकेनिकल जानकारी है, तो आप लोगों को समझाना हमें बेहद आसान होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप लोगों को मैकेनिकल के बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो दोस्त बहुत परेशानी होती समझाने में। तो ऐसे में थोड़ा सा आप अगर जानकारी हो तो ही बताएं और हमको समझें, और नहीं तो गाड़ी का बोनट खोल लें और उसके बाद आप हमको कॉल करें तो हम वीडियो कॉल पर भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर होता है, काफ़ी लोगों को हम कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग अब ध्यान समझना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब टू टू करती है गाड़ी, तो आजकल तो एक प्रेशर की वजह से होता है। अब प्रेशर की वजह से जब टू टू करती है तो उसमें कई चीज़ें जुड़ जाती है। पहली चीज़, मान लीजिए कहीं से जैसे मैप सेंसर, इसका तार अगर टूट जाएगा तो भी गाड़ी टें 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 करने लगेगी। अगर इसका तार होल्डर ढीला है और ब्रेक कर जाएगा, निकल जाएगा वहाँ से, तो भी टू 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 करेगी। अब इस पर अगर बात करते हैं, ये इंजेक्टर जो है इसका भी अगर एक होल्डर निकल जाएगा तो भी टू 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 करेगी। एक और चीज़, 3 सिलेंडर की गाड़ी है और 4 सिलेंडर के गाड़ी में अगर आपने इसको कूंच दिया है, यानी कि जब मैकेनिक ने फिटिंग किया है तो 3 ही यूज किया है और 4th लटका के रखा है, और आप कहीं पर सर्विस करवाए, आपको दिखा कि एक बाहर क्यों पड़ा हुआ है, उठा के आपने ठांस दिया, तो भी जो है परेशानी बढ़ेगी। इसको भी ध्यान दीजिएगा, 3 सिलेंडर में 3 लगेगा, 4 सिलेंडर में 4 लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो अगर इसका भी तार टूट जाता है, निकल जाता है, होल्डर बाहर आ जाता है, या तो आप गाड़ी गैस पे स्टार्ट करने के बाद हल्की मिसिंग या और कोई कारण है और आपने निकाल के होल्डर अगर चेक किया तो वहाँ भी टूं 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 शुरू कर देगा। तो यहाँ से भी हो सकता है, और ये आपका गैस सोलेनोइड का जो वायर लगा हुआ है, तार लगा है, यहाँ से भी अगर आपका कम रहेगा तो भी टू 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 करने लगेगा। प्रेशर यहाँ से सही तरीके से अगर नहीं आ रहा है, जितना उसको चाहिए उतना प्रेशर कम ज़्यादा अगर मिल रहा है तो अत्यधिक कम हो गया, अत्यधिक ज़्यादा हो गया तो भी आपका इसके वजह से टू टू करने लगेगा। और बता दें, CNG का आपका ये स्विच का वायरिंग है, इससे भी ट्रबल हो सकता है। कई बार क्या होता है कि चूहा वायरिंग काट देता है। और ये आपका घड़ी है, घड़ी का काम होता है सिर्फ गैस को बताना। क्या? गैस को बताना कि गैस कितना है। कई बार आप लोग का सवाल होता है कि ये हमारा CNG का घड़ी भरते हैं तो या खाली होता है, 4 ही लाइट शो करता है, या भरते हैं तो या खाली होता है तो 1 ही लाइट शो करता है। कई बार सवाल होता है कि भरते हैं तो, खाली होता है तो रिजर्व ही दिखाता है। ऐसे हालत में आपको घड़ी भी देख सकते हैं, ECU भी दिक्कत करता है। ऐसा नहीं कि ECU दिक्कत नहीं करता है, ECU भी दिक्कत करता है, घड़ी भी दिक्कत करता है, और ये छोटा सा लगा हुआ पिद्दी बराबर का क्या वायरिंग, ये भी तकलीफ देता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको बता दें, ये जो लगा हुआ है आपका नीचे, आप देख रहे हो नीचे प्रेशर का इसके लगा हुआ है, जैसे मारुति की गाड़ी थी उसको तो बिल्कुल ईजी है। बाकी अदर गाड़ी में जब मान लीजिए पिन निकाला हमने, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसके लिए आप यहाँ से कनेक्शन कर सकते हो क्रैंक सेंसर में।
ये हो गया फिलिंग वाल गैस भरने के लिए, अगर लीक कर रहा है तो ओरिंग जल्दी बदलने के चक्कर आना पड़े, क्योंकि ओरिंग बदलने से कई बार दिक्कत होता है। नो डाउट अच्छा हो जाता है, सही हो जाता है, लेकिन मैच नहीं करता तो दिक्कत हो जाता है। मान के चलिए आपके पास व्यवस्था नहीं है, साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, व्यवस्थाएँ नहीं है, व्यवस्थाएँ कमज़ोर हैं, और आपने खोल के बयाना ले लिया और लीकेज नहीं बंद हुआ, तो ना आप इधर करें ना इधर करें, कस्टमर आप 4 घंटे लड़ेंगे वो भी पैसा जाएगा, और कस्टमर आपको पैसा देगा नहीं अगर आप होंगे परेशान। तो इससे अच्छा है पूरा बदलो और मजा लो जिंदगी का, ठीक है। अब चलिए इंजेक्टर के, आप मान लीजिए 4 पिस्टन है, 4 गैस, मतलब अब एक राउंड बता के फिर दोबारा आ रहे हैं, परेशान ना होना, ठीक है। तो अब ये गैस आपका इंजेक्टर अगर कम ज़्यादा दे रहा है, नोजल का जो होल मारते हो आप, यहाँ पे भी ध्यान देना कि चारों नोजल का जो होल का जो साइज है वो बराबर, मतलब पहले हमने बताया मैकेनिक के लिए, वाहन स्वामियों के लिए, और अब बता रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ये नोजल का जो साइज होल मारना भाई, सेम 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 मारना चारों का, ये नहीं कि थोड़ा मोटा हो गया थोड़ा पतला हो गया, ऐसा हो जाएगा दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। लीकेज चेक करने के लिए आपको यहाँ भी लीकेज चेक करना ज़रूरी है, ये चेक किया, इसके बाद यहाँ चेक किया, फिर यहाँ चेक किया, फिर उसके बाद यहाँ भी चेक किया, रिड्यूसर पे भी चेक किया, सब जगह लीकेज गाड़ी गैस पे आने के बाद चेक करना है, तब मज़ा आएगा, ठीक है। और ये क्वाइल है, क्वाइल का आप सिग्नल डालते हो, जैसे आप सॉफ्टवेयर जब खोलोगे तो ये आपको फॉल्ट दिखेगा, सॉफ्टवेयर के फॉल्ट में आपको पता चल जाएगा इश्यू क्या एरर आ रहा है, उससे वहाँ पता चल जाएगा। और बता दें घड़ी, प्रेशर वार, मैप सेंसर, इंजेक्टर, रिड्यूसर, ईसीयू, स्विच, बाकी तो ये गाड़ी और ये सिलेंडर ही है, इतना तो आप लोग जानते ही हो, है ना। तो जो प्रॉब्लम होता है खास करके यहाँ से आता है। अब चलते हैं हम लोग बात कर लेते हैं एक चीज़ और, क्या रहेगा झटका। हमने बताया ना 3 ही 4 फॉल्ट होते हैं जो अक्सर आते हैं, चौथा कुछ आता नहीं। मेरे पास कल एक फ़ोन आया था, चलिए उसी झटके पर हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए झटके के मामले जो है बात ही करने से काफ़ी कुछ हल हो जाते हैं, ऐसा हमने देखा है। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये CNG का काम क्या है, एक छोटा सा उदाहरण दे रही है। इसका काम है इंजेक्टर को गैस से प्रॉपर गैस देना, इसका काम है सही मात्रा में प्रेशर इसको देना, इसका ये अपना काम करता है, ये अपना काम इंजन को करता है कि गैस जितना आवश्यकता है, जितना वैक्यूम लिया, जितना आपका मैप सेंसर यानी कि RPM जितना बताया RPM के अनुसार ये गैस उसको प्रदान करता है। अब देखिए यहाँ पे एक बात होती है, सबसे पहली बात तो आपको ये देखना पड़ेगा कि गाड़ी जो हमारी झटका ले रही है वो झटका CNG पे करने पे ले रही है कि पेट्रोल पे ले रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पेट्रोल पे झटका कहीं ऐसा तो नहीं कि कम ले रही है और CNG पे झटका अधिक ले रही है। अगर पेट्रोल पे गाड़ी लल्लन टॉप चल रही है और CNG पे एकदम नौटंकी कर रही है तो इंजेक्टर खराब है, ये कन्फर्म समझ लेना। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो आप समझ लेना कि आपका कहानी गाड़ी से ही है, समझ गए ना। अगर ये ख़राब होगा इंजेक्टर तो पेट्रोल पे गाड़ी मक्खन जैसे चलेगी। उसके बाद अब ये गैस को प्रॉपर तरीके से दे रहा है, गाड़ी आपकी पेट्रोल पे भी झटका मार रही है और गैस पे भी झटका मार रही है, दोनों पे झटका मार रही है। तो कल वाले जो फ़ोन पे बात, अब फिर वही टॉपिक पे आते हैं, कल वाले टॉपिक में क्या हुआ कि उन्होंने बताया हमने हेड बनवा लिया, ध्यान देना हमने हेड बनवा लिया, ठीक, प्लग नए डाल दिए, प्लग लीड नए डाल दिए, कॉयल नए डाल दिए। अब मेरे समझ में एक बात नहीं आई, कॉयल नया हो गया, प्लग नया हो गया, प्लग लीड नया हो गया, हेड हमने बनवा लिया, कोई राक्षस घुस गया का भैया तुम्हारे गड़िया में कि पता नहीं चल रहा तुमका, कमाल की बात है। धन्य हो मिस्त्री साहब और धन्य है महाराज आप लोग, ऐसा मत करिए। जब भी आप हेड बनवाते हैं तो टैपिट जरूर मिलाते हैं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और जो भी खरादी टैपिट नहीं मिलाता है तो भाई उसकी गलती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब भी आप हेड बनवाने के लिए जाइए तो आप एक चीज़ गौर करिए, हो सके ना मिस्त्री भाई के लिए बता रहे हैं, फीलर गेज ले करके जाइए। और मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी जो भी सिलेंडर की है फीलर गेज डाल के देख लो यार, आप अपनी तसल्ली करके तब उसके बाद हेड चढ़ाओ, खास करके उस गाड़ियों में जो CNG लगी हुई है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे देखा बोनट खोला CNG, बुरी बाबा भैया मिस्त्री के पास जाऊँ मैं CNG बोले नहीं दिखता, देखो क्या है यार उमा का है, कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ भी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि CNG का काम है
पेट्रोल को बंद किया और सीएनजी को हमने सही मात्रा में दे दिया। अब उसका काम है सीएनजी लेना और इसका काम है सीएनजी को जला देना इंजन का। अब ये सही मात्रा में दे रहा है कि नहीं दे रहा है यहाँ से सब पता चल जाता है, सॉफ्टवेयर से पता चल जाता है। तो ये झटके की कहानी इससे कहाँ से बैठता है आप बताइए। सिर्फ चलो आपको शक होता है तो इंजेक्टर हटा के दूसरा लगा देना, हम कहते हैं सही है गलत है इंजेक्टर बदल दो, उसके बाद क्या रहेगा, तब तो आप इंजन पे आके फंस जाओगे ना। अगर नहीं समझ में आता आपको तो, और अगर समझ में आता है तो उठा के देखते रहना। अधिकांश प्रॉब्लम इंजन से ही होता है और हम लोग उलझे रहते हैं सीएनजी में, ये सबसे बड़ी हमारी कमी है। अधिकांश प्रॉब्लम इंजन से होता है और सीएनजी मोलेज करके अपना समय आदमी ख़राब करता है, ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया। और ख़ास करके वहाँ पे, विशेष करके जहाँ पे होता है, जिस जगह पे सीएनजी का पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो उस जगह पे आप लोग परेशान ना हो। सीएनजी से बाहर निकलिए, दोनों पे चलाने का जो तरीका है उसको चेंज करिए और दोनों पे थोड़ा दिमाग संतुलन करके देखिए, फोकस करिए, आपको 100 में 100 जरूर मिलेगा। और जैसे ही आपको मिल जाए कि हाँ पेट्रोल पे दिक्कत ज़्यादा है और सीएनजी पे दिक्कत ज़्यादा है, दोनों के मिला करके आप लोग अपने आप से फ़र्क महसूस करिए, फ़र्क आपको साफ दिखेगा। हल्का सा पेट्रोल में भी रहेगा ना हल्का सा, तो सीएनजी पे 100 गुना बढ़ जाएगा। पेट्रोल पे 10 और सीएनजी पे 100, इतना फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ अगर आपने चेक कर ली और ये चीज़ आपने नाप लिया भाई साहब, मज़ा ना आया पैसा वापस मेरे तरफ से। आज की वीडियो में इतना बहुत है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगला कॉन्सेप्ट ले करके। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट वमेंट छोड़ दीजिएगा जब तक आपका भाई चलता है कुछ काम धाम करे, और आप देखते रहिए एक से बढ़कर एक पड़े हुए हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।